जिला सोलन पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है, ये जानकारी उपायुक्त सोलन ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कोरोना को नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। जिला की सीमाएं सील कर दी गई थी, जहां कोरोना के मामले सामने आए थे उन्हें रेड जोन भी बनाया गया था और वहां किसी की भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। सभी को ऑनलाइन जरूरत का सामान पहुंचाया गया। यही कारण है कि जिला सोलन में कोरोना अपने पैर नहीं पसार पाया और आज कोरोना मुक्त सोलन हो गया है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि जिला सोलन में अब तक 9 केस कोरोना के सामने आए थे, जिनमें 4 लोग दिल्ली चले गए थे और 5 लोग जो कोरोना से पीड़ित थे उनके 2 बार टेस्ट करवाए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके चलते अब वे भी कह सकते हैं कि सोलन कोरोना मुक्त हो गया है और यहाँ कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं है। उन्होंने बताया कि यही कारण है कि येलो और रेड जोन में थोड़ी थोड़ी रियायतें अब दी जा रही हैं, गांव की दुकानों को खोला जा रहा है, ढील के समय अवधि भी बढ़ाई गई है। हमारे पास देखो कुल मिला के मेरे पास जिले में 9 केसेस थे। 9 केसेस में 6 मेरे बद्दी के थे, 3 तबलीगी नालागढ़ के थे। 9 केसेस थे, 9 में से 4 हमारे दिल्ली ट्रांसफर हो गए थे मेदांता में 3 तारीख को, वो तो स्टेट से बाहर हो गए। तो हमारे पास 5 केसेस रहे थे, 5 में से इनके डबल सैंपलिंग हो चुकी है, अब सब के सब नेगेटिव है। जिला कोरोना मुक्त हो चुका है, बिल्कुल है, हम बिल्कुल है। जिला हमारे से अब हमने भेजी रिपोर्टें डेली हो रही है, अब हमारा बिल्कुल कोरोना मुक्त है। हमारे पिछले जो थे ये सारे ट्रीट हो गए, ठीक हो गए हैं। हमारे जिला से अब कोई भी केस कोरोना पॉजिटिव नहीं है।